पत्रकार हत्याकांड गिरफ्तार शूटर का खुलासा, शहाबुद्दीन के गुर्गे ने दी थी सुपारी। सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में शामिल 5 शूटरों की गिरफ्तारी के साथ ही बुधवार को राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस बहुचर्चित हत्याकांड के खुलासे का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरी साजिश का खुलासा राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के प्रमुख शूटर लड्डन मियां की गिरफ्तारी के बाद ही संभव हो सका है। पठानकोट हमला, मसूद अजहर समेत 4 आतंकियों को ISI ने किया अंडरग्राउंड। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल रऊफ, काशिफ जान और शहीद लतीफ को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने छुपा दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ISI ने मसूद अजहर के साथ 3 अन्य आतंकियों को निर्देश दिया है कि वो कुछ दिन तक अंडरग्राउंड बने रहें। बंगाल में अपने MLA से वफादारी का बॉन्ड साइन करा रही है कांग्रेस। उत्तराखंड के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को बगावत का डर सता रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने हाल में ही इलेक्शन जीते सभी 44 विधायकों से स्टैम्प पेपर पर साइन कराए हैं। इसे एक तरह से सोनिया और राहुल गांधी के प्रति वफादारी बनाए रखने का बॉन्ड माना जा रहा है। कांगो की छात्र की हत्या से भड़के दक्षिण अफ्रीकी राजदूत, विदेश मंत्री ने किया सुरक्षा का वादा। दिल्ली में कांगो के एक छात्र की हत्या के बाद भारत सरकार अफ्रीकी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के कड़े सवालों का सामना कर रही है। अफ्रीकी दूतों ने सरकार के गुरुवार के अफ्रीका डे समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की है। वहीं विदेश मंत्री ने अफ्रीकी छात्रों को सुरक्षा देने का वादा किया है। GMR को माल्या का सही पता उपलब्ध कराने के निर्देश। GMR हवाई अड्डा शमशाबाद को एक अदालत ने बुधवार को निर्देश दिया कि वो 6 जून तक किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष विजय माल्या का नया पता उपलब्ध कराए ताकि उन्हें चेक बाउंस के मामले में समन भेजा जा सके। दिल्ली विधानसभा में आग। दिल्ली विधानसभा के रिसेप्शन एरिया में बुधवार को आग लग गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आग सुबह 9:50 पर इमारत में स्थित रिसेप्शन एरिया के एयर कंडीशनर में लगी। आग को बुझाने के लिए तुरंत दमकल के साथ 8 गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना की गई। बिहार में चिकित्सक के अपहरण का प्रयास, कंपाउंडर को गोली मारी। पटना के दुल्हिन बाजार थाना के समीप अज्ञात बदमाशों ने मंगलवार रात नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण कुमार झा की कार पर गोली चलाई और उनके अपहरण का प्रयास किया। कामयाब नहीं होने पर उन्होंने गोली चला दी जिसमें कंपाउंडर जख्मी हो गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भारत ईरान चाबहार समझौते पर अमेरिकी सांसदों ने जताई चिंता। चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक समझौता हो गया है, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने इस समझौते पर एतराज जताया है। सीनेट के कुछ सदस्यों का कहना है कि यह देखना जरूरी है कि इस समझौते की वजह से ईरान पर लगाए गए कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की अवहेलना तो नहीं हो रही है। अरिजीत सिंह ने सलमान खान से फेसबुक पर मांगी माफी, कहा सुल्तान से गाना न हटाएं। मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह और सलमान खान के बीच आजकल अनबन चल रही है। पॉपुलर सिंगर अरिजीत सिंह ने सलमान खान से पब्लिकली माफी मांगकर सबको चौंका दिया है। अरिजीत सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखकर सलमान खान से गुजारिश की है कि वे अपने आने वाली फिल्म सुल्तान से उनका गाना न हटाएं। AIADMK के नवनिर्वाचित विधायक सिनीवेल का निधन। तमिलनाडु में AIADMK के नवनिर्वाचित विधायक SS सिनीवेल का बुधवार सुबह मदुरई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। 65 साल के सिनीवेल को पिछले दिनों हुई मतगणना के एक दिन पूर्व सीने में शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी।